हे गाइस, ताजा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में रात एक तेज रफ्तार ट्रक ने ऐसा कोहराम मचाया जिसने भी वो मंजर देखा दहल कर रह गया। दरअसल तेज रफ्तार ट्रक ने अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे पुलिस पिकेट के बाहर ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस के सिपाही और होमगार्ड को कुचल दिया। पिकेट के बाहर पुलिस की दो बाइकें खड़ी थी जो ट्रक के नीचे फंस गयी। बाइक के नीचे फंसने से बाइकों में आग लग गयी और ट्रक भी जलने लगा। ट्रक और बाइक दोनों जलकर स्वाहा हो गए। हादसे में पुलिस का सिपाही और एक होमगार्ड ट्रक के नीचे आ गया की मौके पर ही मौत हो गए, जबकि तीन चार लोग और घायल हो गए जिनमें से एक की मौत जिला अस्पताल में हो गई है। और वो ट्रक रॉन्ग साइड से आकर हमारे पुलिस चौकी के पास खड़े पुलिस के कर्मियों और होमगार्ड के कर्मियों को कुचलते हुए उनकी बाइक को घिसटते हुए दूसरे एंड पर जाकर खड़ा हुआ जिसमें उसमें आग लग गई है। और इस दुर्घटना में दोनों मोटरसाइकिलें ट्रक के नीचे आ गई थी। मौके पर ही एक आरक्षी मंजूर और एक होमगार्ड श्रीचंद की डेथ हो गई है। एक होमगार्ड घायल है जिसको उपचारार्थ जिला अस्पताल भेजा गया है। चौकी इंचार्ज को भी हल्की फुल्की उसमें चोटें आई हैं लेकिन वो ठीक हैं, उनको भी उपचारार्थ जिला अस्पताल रवाना किया गया है। इसमें दोनों पुलिसकर्मियों और होमगार्ड की राइफलें भी टूट गई हैं। इस संबंध में अभी आग बुझाई जा रही है और बाकी अग्रेतर विधिक कार्रवाई सम्पन्न कराई जाएगी। घटना के बाद फायर ब्रिगेड ने किसी तरह आग पर काबू पाया जिसके बाद ट्रक के नीचे से सिपाही का शव निकाला गया। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर और क्लीनर फरार हो गए हैं। पुलिस ट्रक और ड्राइवर के बारे में जानकारी जुटाने में लगी हुई है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हरदोई से लवी खान की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए।